नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन नेक्स्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो के अंतर्गत आपको 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। और चाहे आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाने हैं जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा चीन। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर मो प्रतिभा लॉन्च की? तो ये की है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य सरकार ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाएगा 7 अप्रैल को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नास्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया यूबी प्रवीण राव को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये किया गया अनुराग श्रीवास्तव को। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस के कारण 1 महीने का आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना है? तो कौन सा बना है? तो जापान। इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जापान सबसे पहले कोरोना वायरस के कारण आपातकाल लगाने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजिगन लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस का नया MD CEO किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग राजा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मोदी किचन की शुरुआत की? तो ये किया तमिलनाडु ने। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स 2020 के अरबपति की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ये रहा है जेफ बेजोस। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्ट ऑफ अ डील नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है मेरी जॉर्डन ने। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा देश नवीनतम फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर रहा? तो ये रहा बेल्जियम। तो बी इसका राइट आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट में यंगेस्ट बिलियनर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो ये है कायली जेनर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, उड़ीसा उत्कल दिवस कब मनाया गया? तो ये बनाया गया है 1 अप्रैल को। तो ए इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य सरकार ने एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन शुरू किया? तो किया हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, RBI के डिप्टी गवर्नर BP कानूनगो का कार्यकाल कितने यहाँ पर साल है? साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये बढ़ा दिया गया 1 साल के लिए। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य के अध्ययन के लिए नासा ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो ये की है सनराइज। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने रेडियो स्कूल शुरू किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने कौन सा कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया? तो ये किया आरोग्य सेतु। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित की जाएगी? तो ये किया जाएगा स्कॉटलैंड में। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश को ऑपरेशन संजीवनी के तहत COVID-19 के खिलाफ लड़ाई में 6.2 टन दवाओं की आपूर्ति किया? तो ये किया मालदीव। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता फ्लिंस एंडरसन का निधन हुआ, वे किस देश के थे? तो ये थे अमेरिका के। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, COVID-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया? तो ये किया डीआरडीओ ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में विकसित स्वदेशी COVID-19 टेस्ट किट का नाम क्या है? तो ये है पैथो डिटेक्ट। इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ की सरकार ने COVID-19 से निपटने के लिए 5T प्लान की घोषणा की? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अप्रैल को। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पुरुष खिलाड़ी ने विश्व में 2020 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट का खिताब जीता? तो ये जीता है बेन स्टोक ने। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो ये किया बी, ऑप्शन राइट इसका दिल्ली हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने नया वर्चुअल कीबोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की? तो ये किया गूगल ने, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के लिए कन्वेंश का कोप तेहरे का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है गांधीनगर में, बी इसका सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने हाल ही में राष्ट्रमंडल में वापसी की? तो इन्होंने की है मालदीव ने, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी? तो ये रही है 40, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 में किस देश की फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये जीता दक्षिण कोरिया की फिल्म ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म को 2020 का बेस्ट ऑस्कर अवार्ड दिया गया? तो ये दिया गया पैरासाइट को, तो 20 का करेक्ट आंसर होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय वॉरियर 2020 किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो ये भारत और ब्रिटेन के मध्य, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर 19 विश्व कप 2020 किसने जीता? तो ये जीता बांग्लादेश ने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भ्रष्टाचार बौद्धिक सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कितनी रही? तो ये रही है 80, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाफ्टा पुरस्कार 2020 में सर्वाधिक साफ पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए? तो ये है 1931 को, सॉरी 1971 को, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑस्कर पुरस्कार 2020 में विजेता फिल्म पैरासाइट के निर्देशक कौन है? तो ये है बांग जून हो, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाक क्रिकेटर नसीम शाह किस प्रारूप में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने? तो ये है टेस्ट में, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 35वें फिल्म फेयर आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गुवाहाटी में, और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में प्रारंभ कॉर्पोरेट सेक्टर की तीसरी सबसे तेजस रेलगाड़ी को क्या नाम दिया गया? तो ये दिया गया है महाकाल एक्सप्रेस, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष किसे चुना गया? तो ये चुना गया मनप्रीत सिंह को, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिल्म फेयर अवार्ड 2020 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है रमेश सिप्पी को, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व हॉकी महासंघ द्वारा 2019 पुरुष कोच ऑफ द ईयर कोलन बैच किस देश के है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, विदेश सेवा संस्थान तथा प्रवासी भारतीय केंद्र का नामकरण किसके नाम पर किया गया? तो ये किया गया है सुषमा स्वराज के नाम पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरुष की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहा गया था? तो ये उत्तर प्रदेश लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने राजीव बंसल, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018-19 में सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन सा रहा? तो ये रहा है ONGC, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व हॉकी महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का सम्मान दिए जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये है मनप्रीत सिंह, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2018-19 में सर्वाधिक घाटे वाला सार्वजनिक उपक्रम कौन सा रहा है? तो ये रहा BSNL, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जिले में हाल ही में पुलिस प्रशासन की पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई? तो ये की गई लखनऊ और नोएडा में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत कि कौन सा स्थान पर रहा है? यानी भारत का कौन सा स्थान है? तो यह है 142वां। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और दोस्तों, अगर आपको PDF भी चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन नेक्स्ट एग्जाम। नमस्कार।